नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिक यूट्यूब पे। बीसीसीआई की बात की तो आईपीएल के पिछले साल ये कंफर्म कर दिया था कि आईपीएल 2022 में टोटल 10 टीमें खेलने वाली है, तो दो नई टीमों का एडिशन इस सीजन ऑक्शन के थ्रू होने वाला है। तो इस वीडियो में बात करने वाले कि जो नई टीमों का ऑक्शन होगा उसमें इन टीमों की बेस प्राइस क्या रहने वाली है और कंपनीज कितने पैसे के अराउंड देकर के इन फ्रेंचाइजी को खरीद सकती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने अपने 15% शेयर अभी रेडबर्ड्स नाम की कंपनी को बेचे हैं। इसके बाद में राजस्थान रॉयल्स की टीम वैल्यू लगभग पता चल गई है और उसी के अराउंड इन टीमों की बेस प्राइस इस ऑक्शन में रहने वाली है। तो राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो रेडबर्ड्स को जो शेयर बेचे, इसके बाद में इनकी कीमत की बात करें तो टोटल 250 मिलियन US डॉलर इनकी कीमत निकलकर आई है। तो ऐसे में इंडियन रुपीज में बात करें तो ये 1855 करोड़ रुपए के आसपास में होते हैं, तो 1855 करोड़ रुपए की जो बेस प्राइस रहने वाली है नई आईपीएल फ्रेंचाइजियों की ऑक्शन में। तो ऑक्शन में 1850 करोड़ के अराउंड तो इनकी बेस प्राइस रहेगी, उसके बाद में बोली लगेगी कंपनीज के बीच में। और बात करें इनकी टीम वैल्यू की तो लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास में बोली लग सकती है, खास करके जो अहमदाबाद बेस्ड फ्रेंचाइजी होगी उसकी बोली ज्यादा लगेगी, क्योंकि जो अहमदाबाद का स्टेडियम है वो काफी कैपेसिटी का है। तो ऐसे में इस फ्रेंचाइजी की कीमत भी काफी ज्यादा होगी। अभी की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की कीमत लगभग 2500 करोड़ के अराउंड है, केकेआर और आरसीबी की भी कीमत 2500 करोड़ रुपए के अराउंड है। वही बात करें मुंबई इंडियंस की तो इनकी कीमत 2800 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ऐसे में जो ऑक्शन की बात की तो यहां पर 3000 करोड़ के आसपास में तो सबसे जो महंगी फ्रेंचाइजी अहमदाबाद बेस्ड फ्रेंचाइजी हो सकती है। तो 3000 करोड़ रुपए के आसपास इन जो नई टीमें हैं इनके लिए कंपनीज को पैसे सुखाने पड़ेंगे। तो यही वीडियो में अपडेट थी, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।